गया रे। एदिके आसो की होतो एखन तुमी मरते आमाके निये मरते হেলমেটটা পরো ভাই আমি তখন ওই জন্য ব্লক করছিলাম আউট হেলমেট কখনো স্পিড আপ করবে না হাই গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল BMW রাইডার হিরো উইথ মাই অ্যানাদার ভিডিও সো কেসে আপ লোগ আই হোপ কি সবই আচ্ছে হো এন্ড ইসকে পিছলে ওয়ালে ভিডিও তো আপ লোগোন নে দেখ লিয়া হে আর আগার নেই দেখা হো তো চেক কর লো ভাই মে আই বাটন মে লিংক দে রাহা হু ইউ গাইস পিছলে ওয়ালে ভিডিও মে আপ লোগোন নে দেখা থা কি আই হ্যাভ গট মাই অ্যানাদার সুপার বাইক নিউ নেই বলুঙ্গা বিকজ इट्स ए यूज सुपर बाइक बट बहुत ही अच्छा कंडीशन में है बाइक ज़्यादा नहीं चली हुई है बाइक सिर्फ 5000 किलोमीटर्स चला हुआ था सो आज जा रहा है मालदा मतलब मेरे होम टाउन जा रहा है विद द ग्रीन बीस्ट तो भाई चलिए होपफुली आज का राइड अच्छा ही होगा और थोड़ा बहुत बोरिंग लगेगा क्योंकि अकेले राइड करना है आज तो दीपंजन भी मेरे साथ बाइक नहीं चलाएगा सो अकेले अकेले जाना पड़ेगा तो थोड़ा बहुत बोरिंग तो लगेगा कोई बात नहीं हैबिचुएटेड है सो भाई चलिए निकलते हैं आपसे मिलते हैं एकदम मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे सो गाइस हियर इज माय न्यू बीस्ट भाई कलर क्या लग रहा है देखो इट्स ए आई कैचिंग कलर एंड जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में बोला था मेरा मम्मी का भी बहुत फेवरेट कलर है फेवरेट बाइक है सो तब तो मेरा निंजा 300 था आज से 8 साल पहले और राइट नाउ ज़ेरेक्स 10R भाई ड्रीम्स कम ट्रू चलो भाई अभी स्टार्ट करते हैं इसको चलो थोड़ा वार्म अप हो जाए एंड गाइस सी ऑस्टिन रेसिंग का एग्जॉस्ट लगा हुआ है सो गाइस चलो अभी फ्यूल अप करते हैं भाई ये देख लो सामने ही फ्यूल पंप है सो गाइस चलो फ्यूल अप तो हो गया अभी भाई जल्दी जितना जल्दी हो सके सिटी क्रॉस करना है भाई क्योंकि कभी कभार तो ऐसा होता है इतना ट्रैफिक होता है भाई 1.5 घंटा लग जाता है यहीं पे अगर 1.5 घंटा लग जाए तो भाई इतना लंबा डिस्टेंस फिर कवर करना है 350 किलोमीटर सो होपफुली आज ज़्यादा ट्रैफिक ना मिले भाई और भाई बाइक चला के इतना मज़ा आ रहा है मतलब रिव्यू तो ज़रूर देंगे अभी नहीं कुछ देर बाद देंगे थोड़ा बहुत बाइक चला लेते हैं सो गाइस राइट नाउ बेलगोरिया एक्सप्रेस वे में आ चुके हैं भाई आज ज़्यादा चीना पार्क में और न्यू टाउन के साइड में मतलब उस साइड में ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था एज यूजल जैसे होता है अभी टानकोनी क्रॉस करके ये जो कोल्लानी एक्सप्रेस वे होके जिस रास्ते से हम लोग आए थे ना कोलकाता कालना होके एकदम कृष्णनगर में वो रास्ता एकदम जॉइंट होगा सो उसी रास्ते से जाएंगे इस साइड से ये वाला रास्ता ही अच्छा है क्योंकि फ्रॉम कोलकाता टू रानाघाट अगर उस साइड से जाएंगे बहुत ही रास्ता ख़राब है भाई और उस साइड से इतना ख़राब है भाई मतलब फ्रॉम कोलकाता टू कृष्णनगर आपको जस्ट ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है 110 किलोमीटर 3 घंटा लग जाता है इस रास्ते से भाई 10-15 किलोमीटर ज़्यादा पड़ता है लेकिन बाइक चला के आराम है देखो भाई ओहो ओ भाई क्या मजा आ रहा है अभी तो भाई मैं ज़ेरेक्स 10R चला के मजे ले रहा हूँ यस आई एम गेटिंग इन लव विद दिस मशीन सीरियसली भाई अभी तो मैंने पावर नहीं चेक किया और शायद आज चेक भी नहीं करने वाला हूँ क्योंकि फ्रॉम कोलकाता टू मालदा ऐसा रोड्स नहीं है हाँ रोड्स कभी कभार अच्छा है लेकिन क्या होता है इन सब रोड्स में इन सब इलाकों में कभी कभार कोई क्रॉस कर जाएगा या थोड़ा बहुत तो डर लगा रहता है सो दैट्स वाई लेकिन मैंने जो चीज़ नोटिस किया और मुझे जो अच्छा लगा भाई ZX 10R लेके लीन करने में बहुत ही मज़ा है
इतना कंफर्टेबल है लीड करने में, मतलब पोस्चर तो इसका एग्रेसिव है भाई। मेरा बीएम थोड़ा भी कंफर्टेबल है लेकिन ये बहुत एग्रेसिव पोस्चर है। और भी बात बाकी पावर वगैरह सब कुछ वो डे बाय डे चलाएंगे, सो आप लोगों को बोलते रहेंगे भाई। अभी तक तो सफ़र अच्छा ही चल रहा है, सो अभी तक उतना थकावट नहीं महसूस हो रहा है। मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला कि इसका पोस्चर और भी ज़्यादा एग्रेसिव है मेरे बीएम से, फिर भी यार बहुत मज़ा आ रहा है चलाने में। सो गाइस अभी कृष्णनगर क्रॉस कर रहे हैं, तो अभी और 220 किलोमीटर बाकी है। अरे भाई जाम देखो यार, देखते हैं किसी साइड से निकल सकते हैं कि नहीं। चलो भाई ट्राई तो करते हैं। लग गया रे, चलो होपिंग कि कुछ ना हो भाई। चलो आगे जाके देखेंगे, नहीं कुछ नहीं हुआ यार, नहीं भाई कुछ नहीं हुआ होपफुली। बाप रे जय माँ काली, उफ ओए ओए ओए, भाई साइड से निकलने के चक्कर में भाई भी नुकसान हो जाता। होपफुली नहीं हुआ, हो जाता क्या, हो ही गया था। एदी कैसे हुआ, की होता है अकुन, तुम ही मरता आम के नहीं मरता, एक बार देख बना लुकिंग ग्लास से। हाँ क्या बोले ये बंदा, मतलब सिर्फ तो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं था भाई, मतलब क्या बोले आप लोग को। जस्ट मैं टोल क्रॉस कर रहा था उस साइड से भाई, क्या कर रहा है, तो मैं ऐसे ही जा रहा था, ये लुकिंग ग्लास फॉलो नहीं करके अचानक घुसा दिया भाई। मैंने उसको रुकवाया कि रुको तुम नहीं देखोगे, मतलब मैंने उसको बोला कि तुम खुद भी मरोगे मुझे ले थे यार, क्या बोले इडियट। मतलब बिना लुकिंग ग्लास देखे एकदम भाई डाइनर ले लिया, सामने से ट्रक आ रहा था, मतलब साइड में डॉज मारा भाई, सामने ट्रक फिर इस साइड लिया, मतलब क्या बोले। उसको गुस्से में मैंने रुकवाया भाई, और गाइस सामने ये मिल गया देखो, सबसे देखो मेरे पीछे लगा हुआ है, इसको बोलता हूँ और भगाओ। হেলমেটটা পরো ভাই, আমি তখন ওই জন্য ব্লক করছিলাম, উইদাউট হেলমেট কখনো স্পিড আপ করবে না। হ্যাঁ কত ইঞ্জিন, ও 1000 cc। আমি তখন ব্লগে বলছিলাম ওই পার্টটা আমি কেটে দেবো, কিন্তু হেলমেটটা পরো, তোমার সেফটির জন্যই বলছি। হ্যাঁ ভাই নেক্সট টাইম থেকে হেলমেট। হ্যাঁ चलो भाई टाटा, सेफ राइड। सो गाइस वो दोनों मतलब क्या बोले, फिर पास में आके मुझे रोकने को बोला, मैंने रुका, फिर उन लोगों को समझाया, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइस।
ठीक है, मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, सिर्फ कंटेंट पुट करना ही मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है, इन लोगों को समझाना भी एक बाइकर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दैट्स वाई आप भी कहीं पर अगर जा रहे हो और किसी को देख रहे हो ऐसा स्पीड अप कर रहा है, सो उसको समझाओ। सो मैंने उसको समझाया तो बोला कि एक शॉर्ट डिस्टेंस शॉर्ट राइड के लिए गए थे, तो मैंने बोला कि ठीक है पर नेक्स्ट टाइम से हेलमेट पहना करो, जो भी शॉर्ट राइड हो या लॉन्ग राइड हो हेलमेट मस्ट, वही समझाया। चलो भाई अभी बहरमपुर यहाँ से और 30 किलोमीटर है, सो बहरमपुर के बाद वो पप्पूदा ढाबा जो है वहीं पे रुकेंगे भाई। गाइस मैंने अभी बहरमपुर क्रॉस किया, आगे और 10-12 किलोमीटर होगा, उसके बाद पप्पू ढाबा है। सो वहाँ पे भाई 15 मिनट रुकेंगे क्योंकि कंटिन्यू राइड कर रहे हैं। हाँ एक दो बार रुके, सिर्फ एक दो मिनट के लिए भाई, मतलब पानी पिए फिर निकल गए भाई। सो ऐसा एक दो बार रुके थे एक दो मिनट के लिए। सो पप्पूदा ढाबा में 10-15 मिनट के लिए बैठेंगे और उसके बाद फिर होम। चलो भाई यहाँ पे थोड़ा बैठते हैं 10-15 मिनट, थोड़ा रिफ्रेश होते हैं, उसके बाद निकलेंगे। सो गाइस चलो भाई निकलते हैं। बाप रे, क्योंकि ज़्यादा देर रुकेंगे तो अंधेरा हो जाएगा और फिर दिक्कत होगा भाई। बात यह है कि मतलब मैं आते आते ज़्यादा रुका ही नहीं, मतलब एकदम भी नहीं रुके, सिर्फ एक या दो बार जस्ट एक मिनट के लिए रुके थे। दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि एक बार एकदम कंटिन्यू आए भाई, दिन के रोशनी में 250 किलोमीटर कवर कर दिए, क्योंकि रात के टाइम क्या होता है अंधेरा हो जाएगा। अभी तो चलो 100 कभी कभार 120 में जो चला रहे, सो वो अंधेरा हो जाने के बाद भाई ऑटोमेटिकली 70-80 ज़्यादा से ज़्यादा 80-70 में चलाना पड़ेगा। शाम तो हो गया भाई, अभी कितना बज रहा होगा, 6 बज रहा होगा शायद। तो भाई फराक्का के नज़दीक आ चुके हैं, फराक्का से और 30 किलोमीटर से मेरा होम टाउन मालदा, और तब रिकॉर्डिंग ऑफ किए थे और ज़्यादा नहीं किए क्योंकि अंधेरा तो हो गया था। और एज यू नो मैं बोलता हूँ अंधेरे में शाम के टाइम ज़्यादा रिकॉर्डिंग करके फ़ायदा नहीं है भाई। सो गाइस पहुँच गए अपने होम टाउन एंड अभी अंदर ही अंदर बहुत खुशी मिल रहा है भाई। सो द डे वॉज गुड, चलो कभी कभार तो बोरिंग लगा, सोलो ट्रिप भी यार कभी कभार करना पड़ता है। सो गाइस वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना, ओके एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि नीड ए लॉट मोर सपोर्ट। और चलो गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ स्टे हैप्पी, लव यू ऑल, बाय बाय।